सो वो सब क्या इसके हाल है आप लोग की उम्मीद है सब ठीक होंगे। सो फाइनली वी आर बैक विद अनदर क्लासिक वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है एक ऐसी जगह जहां पर रेयर मूवमेंट मतलब अर्थ में रेयर मूवमेंट ऐसे बहुत कमतर होते हैं, बहुत ही कमतर। लाइक एक सारी की सारी बस्ती गायब हो जाना, लाइक इंसान का मर जाना पर उसके कत्ल का पता ना चलना, लाइक कुछ ट्रेजेडी हो जाना पर उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की किसी में ना ब्रेन नॉलेज की पावर होती है और ना उसमें मतलब वो हिम्मत होती है कि वो उस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। या तो डर होता है और या तो उसमें इतनी डिटेक्टिविटी होती है कि वो उस मिस्ट्री को सॉल्व ही नहीं कर पाते। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है जेम टीवी की लेटेस्ट न्यू वीडियो, जिसमें एक गांव एक कबीला जंगल के अंदर से पूरा का पूरा गायब हो चुका होता है उनके जानवरों समेत। सो गाइस इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो प्लीज लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल कमेंट इन द बिलो सेक्शन टिल दे स्टे ट्यून इन मी एंड लेट्स गो स्टार्ट अ वीडियो। 26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। जेम टीवी की वीडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है एंजीकोनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एंजीकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी यहां आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था जो लिबेल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह लेक एंजीकोनी के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफी मशहूर थे, लिहाजा जो लिबेल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज, वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था लेकिन आज कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर था। वैसे नॉर्मली वो जब भी उस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती थी जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे, लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खेमे भी देख पा रहा था जिनमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लिबेल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देख कर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक खेमे में गया लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खेमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहां से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे लेकिन उनमें खाना जल चुका था, यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था मगर वो खा ना सके। यहाँ तक के बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थीं वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए कहाँ। जो लिबेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा।
ये सब देखते हुए जो लेबेल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था, वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है, कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंप्स पर राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेबेल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशानात मिलते, खून ना मिलता तो मार धाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पांव के निशानात नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के पांव के निशानात थे और वो जो लेबेल के अपने थे। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहां? लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थी, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता, इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर तो बस्ती वाले लेक में तैर कर कहीं जाते या उनको किसी ने मार कर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं ना कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो के यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती, और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाके के 50 सालों के बाद 1984 में रॉजर बोर और निजेल ब्लंडल नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियंस से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने एंजुकनी लेक के पास गए तो उन्हें वहां एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप मुख्तलिफ होती है, और वो उसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहाँ एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग थलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाके को 100 साल होने को है मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर एंजुकनी लेक की बस्ती के लोग बिना किसी निशानात के चले कहां गए। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है जनवरी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। ये अनसोल्ड का ढापा लगता है ना किसी चीज पे, तो यार बंदा मतलब जितने शौक से एक चीज पढ़ता है उसका वो फेथ टूट जाता है कि यार हम कब से बैठे थे इस चीज को देख रहे थे, इस चीज को सुन रहे थे, इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन ये अनसोल्ड का ढापा जब लगता है ना, जब मिस्ट्री ही बनकर रह जाती है, उसे सॉल्व नहीं किया जाता, तो फिर मतलब एक उलझन सी होती है, घुटन सी होती है। और यहाँ पर जो है जेम टीवी की ज्यादातर वीडियोस में मिस्ट्री तो कमाल की मिलती है पर वो अनसोल्ड होकर रह जाती है, चाहे वो अब हो चाहे वो कब हो, पर अनसोल्ड रहकर रह जाती है। और कुछ मिस्ट्रीज ऐसी है जो कि समहाउ 70
और 40 इयर्स के बाद सॉल्व हुई है बाय द टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पर इन कनाडा जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रीज माहौल होता है, इन द मेन कनाडा सो टू मेन कनाडा में भी मतलब बर्फ बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर जो ये जंगल और पहाड़ी इलाके यहाँ पर तो होती होती होगी, और यहाँ पर तो लाइफ गुजारना बहुत ही मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि इस तरह के लोग जो कि हजारों की तादाद में उन्हें शिकार के लिए घर को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बात है क्या दो बंदे की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है पूरी की पूरी ट्रूप्स की, कि सारे के सारे लोग कहाँ गए कुछ भी अता पता नहीं। सो द मिस्ट्री इज अनसॉल्व एंड यहाँ पर होती है हमारी वीडियो एंड। बट इफ यू गाइस आर न्यू इन दिस वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट इन द वीडियो सेक्शन, एंड इफ एनीवन नो अबाउट दैट मिस्ट्री सो प्लीज शेयर द इन्फो विद मी, बिकॉज कुछ चीज़ें होती है जो अधूरी सी लगती है और मुझे अब ये वीडियो अधूरी सी लग रही है, क्योंकि मुझे चाहिए फुल डिटेल रीजन कि ये सब क्यों और कैसे हुआ, क्योंकि एक सस्पेंस बन जाता है ना जब चीज़ दरमियान में जुट जाती है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाटा बाय बाय।